तो मैं फिर से आ चुका हूँ ट्राई करने कुछ देसी माइनक्राफ्ट वर्जन्स। देसी से मेरा मतलब है जो माइनक्राफ्ट के क्लोन्स है या कॉपी है या फिर उनसे बेहतर है, और देखते हैं भाई बेहतर है या फिर बेकार है। चलो फिर, तो ये आ चुका मैं प्ले स्टोर पे। यहाँ पे हम जाएंगे सर्च करेंगे माइनक्राफ्ट। ये क्या आया भाई, एड आई है भाई, क्या है ब्लॉकमैन एंड गो? अच्छा, अरे सर्वर टाइप है मिनी गेम्स का ये भाई, ये सब नहीं खेलना मुझे। तो यहाँ पे आती है माइनक्राफ्ट ट्रायल, माइनक्राफ्ट, माइनक्राफ्ट एजुकेशन, ये सब नीचे क्राफ्ट वर्ल्ड। ओ भाई साहब, इसको इंस्टॉल करो पहले तो। इसके बाद है ब्लॉक क्राफ्ट 3D, ये भी माइनक्राफ्ट जैसी है लेकिन मजा नहीं आया कुछ। कुछ और देखते हैं भाई। मिनी ब्लॉक, अरे भाई साहब, अरे सिटी भी है यहाँ पे तो। इसको इंस्टॉल करो जरा। अरे मॉन्यूमेंट और कौन कौन से है, कुछ गेम्स के नाम मुझे पता है, मैं उनको सर्च कर लेता हूँ। जैसे कि क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग, ये भी बहुत ही फेमस कॉपी माइनक्राफ्ट की, देख सकते हो टेक्सचर्स थोड़े से लग गए, इसको भी इंस्टॉल करते हैं। रेटिंग देखो भाई 4.1 की है, बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। ये कौन सी है भाई, क्राफ्टी लैंड्स? अरे ये तो भाई, ये तो सही में देसी गेम है भाई। अबे भाई ये कौन सी है, क्राफ्ट्समिथ आइडल क्राफ्टिंग गेम? अरे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रही देखने से। पॉकेट बिल्ड, अबे ये भी ऐसे ही है। अब ये ट्राई करके देख लेते हैं यार, ब्लॉक क्राफ्ट 3D। भाई बहुत सी गेम्स है जो माइनक्राफ्ट से बेटर लग रही है मुझे, बट इनको किसी और एपिसोड में ट्राई करेंगे हम। ये कौन सी गेम है भाई, ये तो पूरी माइनक्राफ्ट है। ओ भाई इसको इंस्टॉल करो, है भी 4 की रेटिंग दी हुई भाई साहब। नाम क्या इसका, मेन क्राफ्ट्समैन बिल्डिंग क्राफ्ट, अरे कैसे कैसे नाम है भाई। तो ये रही कुछ गेम्स जो हमने डाउनलोड किया, अभी एक या दो और डाउनलोड हो रही है, तब तक हम इनको ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहले क्राफ्ट वर्ल्ड, तो आ चुके हम गेम में। तो यहाँ पे ये सब है प्ले ऑप्शंस, गेम्स ऑप्शंस में क्या है, स्टीव। अच्छा चलो नेम वेम छोड़ो, सीधा प्ले करते हैं। ये तो बड़ा ही सस्ती कॉपी भाई, ये है देसी कॉपी, क्रिएट न्यू वर्ल्ड क्रिएटिव में। तो ये अंदर से गेम तो बढ़िया है। तो भाई ये मैं दूसरी बार कर रहा हूँ इस गेम को शुरू, क्योंकि पिछली बार क्रैश होगी, एड आई फिर क्रैश होगी गेम, पता नहीं क्या है भाई ये। एक बार फिर से चलते हैं अपने वर्ल्ड में। तो यहाँ पे ये सब है, आई थिंक यहाँ पे कमांड्स नहीं है ना, ट्राई करके देखते हैं। कमांड्स यहाँ पे नहीं है भाई, कमांड्स तो नहीं है लेकिन एड्स बहुत ज्यादा है यहाँ पे। और क्या क्या भाई यहाँ पे जरा देखे, तो भाई ये वैसे ग्राफिक्स के बहुत ही कार्टूनिश हैं, ठीक है नॉट बैड। ये देखो देसी काउ, ये देखो भाई साहब गाय। सबसे पहले इसकी इन्वेंटरी देखते भाई सब क्या है यहाँ पे। और ये रहा मैं जो कि बड़ा ही ठीक है यार, नॉट बैड। और ये रहा इसकी टेक्सचर्स, ओ भाई साहब ये टेक्सचर इसके ऐसे जैसे बहुत पहले माइनक्राफ्ट थी ना, जो अल्फा वगैरह वर्जन में आई थी वैसे टेक्सचर्स है इसके। अच्छा, और थोड़े बहुत अभी के भी है, देख सकते हो प्यारे लग रहे हैं, नॉट बैड ये। ओ भाई साहब अंदर तो सब कुछ माइनक्राफ्ट वाला है, होगा भी क्यों नहीं, देसी माइनक्राफ्ट जो है ये। अच्छा क्राफ्टिंग के लिए ऐसा, ठीक है समझ गया। और मेरी इन्वेंटरी में ये सब है, पता नहीं क्यों है भाई ये सब पहले से दे रखा है। आई थिंक इसमें नेदर जा सकते हैं, हम एक बार ट्राई करके देखता हूँ मैं। ऑब्सीडियन कहाँ मिलेगा, एक तो सर्च करने का ऑप्शन नहीं है। ये ऑब्सीडियन भाई हर 2 मिनट में तो ऐड आ जा रही है, डर गया था मैं एक सेकंड के लिए। अबे साले, अब बना के देखते हैं भाई यहाँ पे एक पोर्टल। भाई मैं पीसी में खेल रहा हूँ इसलिए थोड़ा हार्ड है मेरे लिए बनाना, क्योंकि भाई इसमें वो नहीं कर पा रहा मैं, तो मेरे को माउस की मदद से खुद करना पड़ रहा है सब। अरे भाई साहब नेदर जा सकता हूँ मैं, चलो जरा यार। ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था सही में, नेदर भी इसका पुराना जैसा है 1.12 1.10 वैसे पुराने वर्जन, उससे भी सही है भाई, लेकिन नेदर तो जा सकते हैं। तो इसमें एंडर ड्रैगन भी मार सकते हैं शायद हम। आयो ऑफेंडर नहीं यहाँ पे, आई थिंक एंड में नहीं जा सकते हम। एंड क्रिस्टल तो है लेकिन एंड एक्टिवेट कैसे करेंगे इसको। अरे एल्विश भाई, भाई बहुत सारी एड्स आ रही है इसमें, नेक्स्ट गेम में चलते हैं। हमारी अगली गेम है रियलम क्राफ्ट, यार ऐसी ना इस नाम की तो मैंने डाउनलोड ही नहीं की थी कोई। ओ भाई साहब लोगो तो मस्त है ये कंपनी का, लोडिंग भी बढ़िया है भाई। बिल्डिंग वर्ल्ड, भाई खुद ही लगा पड़ा क्या वर्ल्ड बनाने में? अरे भाई सीधा वर्ल्ड में आ गया मैं, यार ये क्या हुआ? अरे एड्स इधर भी आ रही है भाई, ये कुछ समझ नहीं आ रही भाई, गेम बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी है। मैं इसमें आई थिंक जा भी नहीं सकता क्रिएटिव में, तो मुझे ऐसे थोड़ा आगे पीछे चल के करना पड़ेगा कुछ, और मैं भाई कुछ भी नहीं कर पा रहा सही में। अरे यहीं से इन्वेंट्री देख लेते हैं, बाकी सब कुछ नहीं कर पा रहा मैं, क्योंकि मैं पीसी में खेल रहा हूँ इसलिए थोड़ी हार्ड हो रही मेरे लिए। तो ये इसकी इन्वेंट्री है, और ये रहा मैं जो कि सही लग रहा है, नॉट बैड। और ये ऊपर कुछ सामान वगैरह यहाँ देख सकते, ये क्या चीज है भाई, नेदर स्टार। ओ भाई सब टेक्सचर्स, प्रिज्मरीन भाई टेक्सचर्स बढ़िया है भाई, ये क्या है मैग्मा। ओ भाई एन्चांटेड बुक देखो, बुक ओ भाई साहब ये थोड़ी रियलिस्टिक है, ये क्या है रैबिट फुट, ओहो ये तो फैदर ही होगा भाई। कोशिश तो करो मैं थोड़ी बहुत चलने की, ये गेम बढ़िया है यार टेक्सचर्स भी कह रहा। वैसे जो ग्राफिक्स है वो बिल्कुल माइनक्राफ्ट की पूरी पूरी कॉपी है। बाकी अगर इन्वेंट्री देखोगे तो बहुत मस्त है भाई, ये देखो फर्मेंटर स्पाइडर है कितनी मस्त लग रही है, ये फिश देख सकते हो ग्राफिक्स तो बहुत प्यारे है भाई। ओ ट्राइडेंट देखो भाई साहब कितना रियलिस्टिक है एप, ओ भाई साहब ग्राफिक्स तो बढ़िया है, कुछ भी कहो टेक्सचर्स मजा आ गया भाई देख के। ब्लॉक्स के तो माइनक्राफ्ट वाले ही है क्योंकि वो, अरे ये क्या चीज है, ओक वुड प्लैंक स्लोप। अच्छा ये नई नई चीजें है कुछ भाई, इस गेम में मजा नहीं आ रहा है इसलिए चलते हैं अगली गेम में। अब हमारी अगली गेम है क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग, ये बहुत फेमस गेम है, आप में से बहुत से लोगों को इसके बारे में पता होगा। ये
गेम में आ चुका हूँ मैं भाई। मुझे माइनक्राफ्ट 1.20 वाली वाइब दे रही है बैकग्राउंड में। तो ये रहा कुछ सेटिंग्स में क्या क्या है भाई इसकी। अच्छा वही माइनक्राफ्ट की सेटिंग्स है, थोड़ी बहुत एक्टिव। अच्छा प्ले करते भाई, वर्ल्ड बनाते सीधा, पहले से वर्ल्ड है भाई इसमें तो। अच्छा किसी को अगर एडवांटेज वगैरह खेलना तो उसके लिए भाई बढ़िया है। फाइंड बटन, पेट्स, आइस मॉन्स्टर, वाइल्ड लैंड्स, गॉड सीड, इसको ट्राई करते भाई। तो यहाँ पे हमारा वर्ल्ड बन रहा है ऑनलाइन। अच्छा प्रोसीड है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, क्रिएट मैप करते भाई जरा। किधर हूँ मैं? अरे इसको बाद में करेंगे। अरे पीसी पे खेलना दिमाग खराब होता है भाई। और यहाँ पे मुझे कुछ सामान मिला जिसको कि मैं ले लेता हूँ। अरे पिकैक्स लो भाई। अरे मैं ले ही क्यों रहा हूँ भाई। भाई पहले तो चीट्स ऑन करो, मेरे को जाना है क्रिएटिव में। यहाँ से करो क्रिएटिव, यहाँ से करो क्रिएटिव। चलो तो मैं स्पॉन हुआ विलेज में, क्योंकि गॉड सीड था इसका नाम। और गेम पता नहीं क्यों लैग कर रही भाई, मेरा पीसी इतना गंदा नहीं है सही में, या फिर है पता नहीं भाई। ये क्या चीज है भाई? अरे तू सुअर है ना? अरे भाई साहब कितना गंदा लग रहा है भाई ये। छी यार छी। भाई इसके ग्राफिक्स तो बहुत ही बेकार है भाई। जो लोग भी ग्राफिक्स बिल्डिंग खेलते हैं, मैं उनके वो सेंटीमेंट्स वो नहीं करना हर्ट, बट भाई सही में गंदे तो है ग्राफिक्स। विलेजर्स ही अच्छे भाई पूरे गेम में। अब चलते इन्वेंटरी में, रिव्यू देते भाई जो करने आए हम। यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं ग्राफिक्स, ये तो माइनक्राफ्ट के ही है दो तीन। ये चीजें गंदे तो है भाई। नेदराइट भी है भाई इस गेम में, क्या बात है। ओ भाई ग्राफिक्स बड़े कार्टूनिश है यार भाई। किसके ग्राफिक्स तो माइनक्राफ्ट से भी गंदे है। लेकिन एंड क्रिस्टल इतना गंदा। छी यार ये क्या एन्चांटेड बुक भाई, एनसाइक्लोपीडिया लग रही है ये तो भाई। मुझे ऐसी भी इस गेम से बहुत लोग खेलते हैं किसको, बहुत लोग भाई लिटरली बहुत। और भाई अगर आप माइनक्राफ्ट नहीं खरीद पा रहे तो क्रैक कर लो यार, बट खेलो माइनक्राफ्ट की कॉपीज वगैरह मत खेलो। ये देखो जो ढंग से चल भी नहीं रही है भाई, देखो कितनी लैग कर रही है, क्या मजा आता है इसको खेलने में। और मैं तो मैप देख रहा था ना, तो मैं बड़ी छोटी सी जगह में हूँ यहाँ भी पता नहीं क्यों। मैं नेक्स्ट गेम की तरफ बढ़ते हैं। अगली गेम है ब्लॉक क्राफ्ट 3D और इसके बाद है मेन क्राफ्ट्समैन सर्वाइवल, पता नहीं क्या नाम है भाई वो। तो ये हो गई शुरू। और ओ भाई साहब सिनेमैटिक्स भाई, तो मूवी चल पड़ी, क्या बात है भाई। कहाँ लेके जा रहा है भाई हमको? यार मुझे तो कुछ रोल प्ले टाइप लग रहा है ये। अरे भाई होल्ड वोल्ड क्या करूँ मैं, टैप ऑन जॉयस्टिक टू जंप। यहाँ से इन्वेंटरी है। अच्छा अरे स्किप करो यार, प्रो लोग है भाई, हम स्किप करो सब। टैप टू हाइलाइटेड एरिया। अरे भाई ये तो मुझे पता ही नहीं था। स्टार्ट योर विलेज। अरे भाई ये क्या हो रहा है यार, ये कुछ अलग ही सीन हो गया। ये क्या किया भाई मैंने? वेल भाई वेल बोला मुझे, थैंक यू। अरे मैं यार छोटा बड़ा गेमर हूँ यार मैं। तो ये मुझे ट्यूटोरियल दे रहे हैं जो कि मुझे सही में चाहिए नहीं वैसे। ये मैंने घर बनाया अपना, क्या बात है हट। अच्छा मैंने ये वेल बनाया क्या? मुझे लगा मैंने कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। ये किस एंगल से वेल है भाई? ना पानी है इसके अंदर। ये क्या कर रहा हूँ भाई मैं, मुझे नहीं पता। कुछ तो करो, लेकिन मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे जो भी आ रहा है मैं करता जा रहा हूँ भाई। इतना सामान मेरे पास है कैसे? और अच्छा मैं क्रिएटिव में हूँ, एक बार थोड़ा सा एक्सप्लोर करते यार इसको। मैं उड़ नहीं सकता, क्रिएटिव में नहीं हूँ क्या मैं? ये क्या चीज है? इसको मार नहीं सकता क्या मैं? मरना तेरे को डर नहीं लगता? अरे मेरे ख्याल से वुल्फ है ये। ओ भाई यार ये गेम ग्राफिक्स ठीक है, बट क्या करूँ मैं इसमें। ये इन्वेंटरी है इसकी, चलो इन्वेंटरी देख लेते हैं क्या क्या इधर। फैन स्टोन ये सब है। अच्छा ये क्या है? रेयर आइटम्स, बेड। ओ भाई बेड डिवलॉक्ड। अच्छा मैं मतलब सर्वाइवल में, क्रिएटिव में नहीं हूँ। ये कुछ रोल प्ले टाइप गेम है, अगर आपको खेलने तो खेल सकते हो। बड़ी अजीब लगी। ओ भाई साहब पोलर भी है। टेक्सचर्स तो बढ़िया है भाई, नॉट बैड, बट गेम बड़ी अजीब सी है यार। क्या करूँ भाई मैं, ये बना रहा हूँ मैं, चलो बना लिया, इसके बाद क्या करूँ भाई। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड जिसको आज की खेलने, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नहीं भाई अगले गेम की तरफ बढ़ते हैं, इतना दिमाग नहीं लगाना मुझे इसमें। आज के हमारी लास्ट गेम है मेन क्राफ्ट्समैन सर्वाइवल। चलो ये सारे गेम्स ऐसी क्यों स्टार्ट हो रही है? अरे ये क्या हुआ भाई? अच्छा ऐड है, मुझे लगा भाई खुद ही स्टार्ट होगी गेम। भाई गेम शुरू हो नहीं रही है, ब्लैक स्क्रीन पे अटकी पड़ी है। अरे हुई हुई भाई, माइनक्राफ्ट की लोडिंग स्क्रीन क्या बात है। अरे भाई साहब, अरे भाई पीछे थोड़े HD ग्राफिक्स में फोटो लगा देते, क्या है भाई ये? ऐसा लग रहा है कहीं से उठा रखी इन्होंने, उठाई होगी वैसे। भाई इतनी सारी एड्स, दिमाग खराब हो गया मेरा। सीधा प्ले करते है भाई, क्रिएट न्यू वर्ल्ड। भाई गेम ही क्रैश हो गई, फिर से ट्राई करते है। ओ जीता मेरा दिल लुटिया भाई, ये गेम बार बार क्रैश हो रही है पता नहीं क्यों। भाई इसको शुरू करते से पहले मैं लगभग 10 साइड देख चुका हूँ, बहुत पैसा कमा लिया भाई दोनों ने। अबे सीधे वर्ल्ड बनाओ यार, अब मेरे को रुका नहीं जा रहा भाई। क्रिएट न्यू वर्ल्ड, अब फिर से क्रैश हुई ना, मैं जा रहा हूँ सोने। ले भाई क्रैश होगी। तो हमने 4 गेम्स ट्राई की जिसमें से कोई भी अच्छी नहीं थी। अबे साले, अरे कैसे हरकतें करता हूँ भाई मैं। तो अगर आपके पास कोई माइनक्राफ्ट कॉपीज जो कि बेहतर हो, इन सबसे बेहतर हो है, तो कमेंट करके जरूर बताना। तो पिछली बार हमने ट्राई की थी माइनक्राफ्ट की कुछ सस्ते कॉपीज जो कि लिटरली बहुत ही बेकार थे, बट इस बार हम ट्राई करने वाले वो सब गेम्स जो आपने उस वीडियो के नीचे कमेंट किए थे। आइए देखते हैं। और मैंने आपसे मांगा था जो कि बेस्ट होंगे वो बताना। तो आज हम ट्राई करने वाले कुछ बेस्ट कॉपीज माइनक्राफ्ट की। भाई लिटरली आधा कमेंट सेक्शन 2 गेम्स से भरा था, जो कि था लोकीक्राफ्ट एक्स और क्राफ्टमैन 5। तो मैं इन दोनों गेम्स को जरूर ट्राई करूंगा। सबसे पहले तो भाई क्राफ्टमैन 5 को देखते क्या है वो। ये रही, और ये भाई ये तो लिटरली माइनक्राफ्ट है यार। ओ भाई साहब इसको इंस्टॉल करो। अरे इंस्टॉल क्यों नहीं हुई? लोकी क्राफ्ट एक्स ट्राई करते हैं, और ये भी भाई माइनक्राफ्ट है बिल्कुल। ये भी नहीं हुई। चलो अब हो रही है भाई, पता नहीं क्या ग्लिच हो गया था भाई। इसके बाद देखते हैं अब लोकी क्राफ्ट एक्स,
ये रही, इसको भी इंस्टॉल करो। ये वाली गेम की भी कमेंट्स बहुत ज्यादा आई थी, इसको भी ट्राई करे। आई थिंक ये कुछ रोल प्ले या सिटी टाइप है, मैं इस टाइप की गेम्स ट्राई नहीं करना चाहता, ये तो कुछ अलग हो गया, समझ सकते हो यार, माफ कर देना। इस वाली के भी बहुत कमेंट्स आए थे, इसको भी डाउनलोड करके देखते, मस्त लग रही है वैसे, है बिल्कुल माइनक्राफ्ट, देख सकते हो। मुझे इस टाइप की चाहिए जो कि बेस्ट लगे मेरे को, अब अंदर ही पता लगेगा कैसी है भाई। एक ये रही किंग क्राफ्ट, जो भी जिसके भी कमेंट्स आए थे, तो ये भी थोड़ी यूनिक है, तो इसको भी ट्राई कर लेते हैं। अरे ये क्या है भाई, इतनी सस्ती कॉपी, इसको भाई किसी और एपिसोड में रोस्ट करेंगे, अभी नहीं। इस गेम के भी बहुत ज्यादा कमेंट्स आए थे, और भाई साहब ये तो एकदम पूरी कॉपी है ये, तो इसको ट्राई करो भाई, इंस्टॉल करो। तो ये रहे कुछ गेम्स, एक अभी इंस्टॉल हो रही है, तो हम ट्राई करने वाले सबसे पहले क्राफ्ट्समैन 5। चलो भाई, बहुत डिमांडिंग गेम थी ये वाली, भाई इसकी लोडिंग स्क्रीन तो बिल्कुल माइनक्राफ्ट की है। ओ भाई साहब क्या बात है, प्ले, और इसमें सर्वर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं हम, वो भाई क्या बात है, क्रिएट करो भाई वर्ल्ड में, जो अंदर से देखने कैसी है भाई, यहाँ तो बिल्कुल माइनक्राफ्ट है भाई, ये बिल्कुल सेम है, हम क्रिएटिव में करेंगे। वैसे इसमें भी बहुत सारी एड्स है भाई, इसकी सेटिंग्स तो बिल्कुल सेम है यार, पूरी की पूरी सेम है, क्या भाई साहब, ये है भाई बेस्ट कॉपी। रेंडर डिस्टेंस बिल्कुल बढ़ा दो, अरे सिर्फ 9 तक है इसका, ये क्या बात हुई भाई। अब मेरे हिसाब से इसमें कबाड़ भी होनी चाहिए, बात बात पे तो ऐड आ जा रही है। हाँ भाई ये है ना, एक बार ट्राई करके देखते हैं। लोकेट स्ट्रक्चर विलेज, तो आ तो जाना चाहिए। अच्छा टेलीपोर्ट करते भाई अपने आपको, टेलीपोर्ट 760-240। तो मैं आ चुका हूँ विलेज में, कहाँ है भाई विलेज, ये तो ऊपर आसमान है, नीचे विलेज है, हाँ वो रही भाई। इतनी सारी एड, सारी क्या बताऊँ भाई, हर मिनट में आड़ आ रही है। ओ भाई सब आयरन गोलम, विलेजर्स तक सेम है, ट्रेड भी सेम है भाई, और क्या क्या भाई, विलेज भी सेम है यार, ये बिल्कुल माइनक्राफ्ट है भाई, ये है बेस्ट कॉपी भाई। अब इसकी इन्वेंटरी देखते हैं, सबसे पहले हम अपने आपको देखेंगे, चलो हम तो सेम ही होंगे भाई। इसके टेक्सचर्स थोड़े से अलग है, देख सकते हो ये सब थोड़े से मस्त है, ये छोड़ो भाई यहाँ देखते हैं हम। हाँ भाई टेक्सचर्स तो मस्त है थोड़े, अरे ये दो चीजें क्यों सेम है भाई, बाकी तो बढ़िया है। मे बी नेदराइट और डायमंड का इन्होंने अपडेट नहीं लाया, पता नहीं क्या किया इन्होंने, जो भी किया। अब भाई एलिट्रा भी मस्त लग रहा है भाई, सब कुछ ही तो सेम है इसमें, थोड़े से टेक्सचर्स और ग्राफिक्स तो सेम है, बस थोड़े टेक्सचर्स अलग है इसके, देख सकते हो आप, मतलब थोड़ी यूनिक बनाने की कोशिश की इन्होंने, लेकिन मस्त है भाई गेम तो बढ़िया है, मजा आ गया। अब अगली गेम की तरफ बढ़ते हैं, अगली गेम इससे भी ज्यादा डिमांडिंग, लोकी क्राफ्ट एक्स भाई, ये सही में बहुत ज्यादा कमेंट्स आए थे इस गेम के भी, देखते हैं ये भी कैसी होती है भाई। ये भी बिल्कुल सेम है भाई माइनक्राफ्ट जैसी लोडिंग स्क्रीन। ओ भाई सब अंदर से भी सेम है ये तो, साइन इन, ओ भाई सब साइन इन तक मांग रहे हैं, मतलब है भाई ऑनलाइन सिस्टम भी है इधर। साइन इन तो नहीं करूंगा मैं अभी, ये पुराने वाले माइनक्राफ्ट लग रही है पीछे से, इसको एक्सटर्नल कर दो। अरे मैं ये कर क्यों रहा हूँ, लेकिन क्रिएट न्यू, क्रिएटिव, कंटिन्यू, भाई सब कुछ वो माइनक्राफ्ट वाला दे रहे हैं भाई। चंक डिस्टेंस इसका भी 8 तक है, ये पता नहीं क्यों इतना कम है भाई। मल्टीप्लेयर भी भाई सब मल्टीप्लेयर भी खेल सकते हैं, क्या बात है, क्रिएट करो। अरे ये तो गेम ही रिस्टार्ट हो गई, ये क्या हुआ भाई, बेकार है भैया मैं तो टूट गया। तो वर्ल्ड हो रहा है हमारा क्रिएट, और फिर से रिस्टार्ट हो गई भाई, अरे क्रैश क्यों कर रही है गेम ये। A few moments later. तो बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे और फाइनली ये गेम चल पड़ी भाई, मैंने कितना कुछ ट्राई किया तब जाके चली है ये, तब इसको ट्राई करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी वर्ल्ड बना रखा था टेस्टिंग के लिए, तो इसी को लोड करते हैं, आई होप अब चल पड़े। हो भाई फाइनली चल रहा है, तो भाई कंट्रोल्स मैं यही वाले रखूंगा क्योंकि आसानी होगी मुझे, क्योंकि मैं पीसी पे हूं, बाकी कंट्रोल्स भी ठीक है। इसकी लोडिंग तो बड़ी अजीब सी है वैसे, पता नहीं क्या है भाई ये। तो मैं फाइनली गेम में आ चुका हूं, और भाई साहब अगर कंट्रोल्स के येलोइश नहीं होते तो बिल्कुल माइनक्राफ्ट थी भाई ये। यूआई थोड़ी सी चेंज है बस इसकी, और मैं स्पॉन कहां पे हूं भाई, इसके एक बार इसके चेक करके देखते हैं। लोकेट स्ट्रक्चर विलेज 420-152। तो अब मैं टेलीपोर्ट हो चुका हूं विलेज में, आई थिंक थोड़े ग्राफिक्स बढ़िया है इसके, क्लाउड्स हटा दूंगा तो बढ़िया लगेगा आसमान, ठीक है समझिए। क्रैश हो रही है ऐसे, नॉर्मली ठीक चल रही है, आई डोंट नो क्यों, आई थिंक ये अच्छा ये घर है ना, हाँ मैं वही सोचू कौन सा स्ट्रक्चर है ये। तो भाई विलेज भी बिल्कुल सेम है, विलेजर्स तक सेम है, और आयरन गोलम भाई ये भी सेम है। एक काम करते हैं भाई, मेन मेन चीजें देखते हैं, जैसे की इन्वेंट्री, मैं अपने आपको कहाँ से देख सकता हूँ, आई थिंक ये एलेक्स है जो की बढ़िया है, ठीक है नॉट बैड, और ये तो चलो पॉकेट वाला सीन हो गया। ओ भाई साहब बिल्कुल सेम, एकदम डिट्टो भाई, क्राफ्ट्समैन के कम से कम ये तो थोड़े अलग थे, इसके तो बिल्कुल सेम है वो भाई, भाई ये तो बिल्कुल कॉपी है यार, एकदम डिट्टो। अरे भाई साहब भाई लोकी क्राफ्ट के बहुत सारे वर्जन हैं, उनको भी आगे कवर करूंगा मैं, लेकिन अभी नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो सब कुछ है भाई, सब कुछ, आई थिंक इसमें हम एंड में भी जा सकते हैं, एक बार ट्राई करके देखता हूँ। लोकेट स्ट्रॉन्ग होल्ड, और यहाँ से कितनी दूर है वो, थोड़ा सा ही दूर है भाई, 818-210। बस आई होप ये क्रैश ना हो, क्रैश हुई तो मैं अगली गेम की तरफ चला जाऊंगा भाई। अबे साले तब तक मैं आईओ फेंडर ले लेता हूँ ना। अरे इसको लेते कैसे भाई, अच्छा भाई अरे मैं भूल गया क्योंकि मैं जावा खेलता हूँ ना ज्यादातर, इसलिए। अब बिल्कुल यहाँ से नीचे चलते हैं, मिल जाएगा मुझे स्ट्रॉन्गहोल्ड। कितना नीचे है भाई, अरे भाई नीचे ही था मैं, स्पेक्टेटर मोड में ऐसे ही आया, क्या बात है भाई। यहाँ चलो अब गेम मोड करते क्रिएटिव, इनको लगा दे तो जल्दी से, बड़ी सी जगह दो भाई साहब, ये। ओ भाई सब एक्टिवेट हो गया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा भाई, इसमें लिटरली बिल्कुल माइनक्राफ्ट की हर एक चीज है। एंड नेदर भी होगा फिर तो, इसमें एंड सिटी भी होगी, एलेट्रा था क्योंकि मैंने देखा था इन्वेंटरी में।
ओ भाई साहब, एंडर ड्रैगन भी है यहाँ पे भाई। ये तो लिटरली भाई बहुत बेस्ट कॉपी है भाई माइनक्राफ्ट की। जिसको माइनक्राफ्ट नहीं खेलना वो ये बिल्कुल खेले भाई, मैं रिकमेंड करूंगा। क्योंकि माइनक्राफ्ट तो पेड है भाई, अगर फ्री में ये मिल रही है तो बिल्कुल खेलो भाई। भाई अब अगले गेम की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी अगली गेम है ब्लॉक सन, इसको भी ट्राई करते हैं। अभी दो और गेम्स है भाई इसके बाद। आप भाई इस वीडियो के नीचे भी कमेंट करके बताओ कुछ बेकार कॉपीज या फिर बेस्ट, जो भी हो मैं बिल्कुल ट्राई करूंगा अगले एपिसोड में। इसकी लोडिंग स्क्रीन थोड़ी पुरानी वाली माइनक्राफ्ट वाली वाइब दे रही है। तो यह आ चुका है ब्लॉक सन अर्थ। अरे सिदक, अरे भाई साहब अंदर से सब सेम ही है यार माइनक्राफ्ट जैसे। क्रिएटिव कंटिन्यू क्रिएट भाई, ये सही है भाई बिल्कुल। इतना कुछ वो नहीं किया, कौन से कंट्रोल्स कौन से, ये सीधा वर्ल्ड बनाओ भाई। क्योंकि बाकी तो बिल्कुल कॉपी स्टे ही है ना, बिल्कुल कॉपी। अच्छा ये सारी पुरानी वाली कॉपी होगी। तो मैं गेम में आ चुका हूँ भाई। थोड़े से बिल्कुल थोड़े से ग्राफिक्स और टेक्सचर्स इसकी चेंज है, यहाँ देख सकते हो ग्राफिक्स वगैरह को, बाकी तो सेम है भाई। इन्वेंटरी थोड़ी सी अलग है। ओ भाई साहब स्टीव क्या हाल चाल तेरे। हाँ टेक्सचर्स अलग है इसके, देख सकते हो मस्त है। अरे पता नहीं क्यों ये दोनों चीजें इन्होंने मेहनत नहीं की क्या इन दोनों चीजों में किसी भी गेम में वो करने की। एलिट्रा ठीक है भाई, नॉर्मल सा टोटो फंडा अच्छा लग रहा है भाई। टेक्सचर्स इसके भी चेंज है। इसमें दो तीन चीज और देखना चाहूंगा मैं, जैसे नेदर वगैरह जा सकते या नहीं भाई साहब। बस इसके टेक्सचर्स भाई मैं ज्यादा चीजें नहीं एक्सप्लोर, क्योंकि भाई वही सेम चीजें करूंगा तो मजा नहीं आएगा। वही सब होगा क्योंकि इसमें जो माइनक्राफ्ट में है, मैं बस दो तीन चीजें चेक करूंगा इस गेम में, जैसे नेदर या एंड में जा सकते या नहीं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक पोर्टल। भाई कितनी प्रॉब्लम हो रही भाई मुझे सही में बनाने में, वीडियो में जाके क्लासिक भाई, इसमें तो मुझे और प्रॉब्लम हो रही है। अरे अरे भाई यही बढ़िया थे मेरे लिए। ओ भाई साहब लाइट तो हो गया, ये देखते अंदर जाके। आई थिंक नेदर तो है भाई इसमें, अब एंड बना के देखते हैं। हाँ भाई नेदर तो बिल्कुल वही होगा जैसा होता है, एक 1.16 वाला। आई थिंक इसमें केव एंड क्लिप्स भी होंगे, डीप स्टेट वगैरह, यही बना के देखते हैं ना भाई साहब। एक दो तीन भाई, स्ट्रगल तो पूरा कर रहा हूँ मैं, इस वजह से लाइक कर दो भाई। एक दो तीन, हाँ भाई बन गया भाई, एंड भी है मतलब इसमें। और यहाँ पे एंडर ड्रैगन भी होगा, हाँ बिल्कुल होगा भाई, क्यों नहीं होगा। इसकी हेल्थ बार क्यों भाई आ गया भाई हेल्थ बार, मैं सोचू हेल्थ बार क्यों नहीं आ रहा है। तो भाई इधर भी है सब कुछ है, मतलब ये गेम भी बढ़िया कॉपी है भाई। मतलब इस बार सभी जो भी खेली हमने सब बढ़िया कॉपी है। तब बढ़ते अगले गेम की तरफ। हमारी अगली गेम है क्राफ्ट्समैन किंग क्राफ्ट, चलो ट्राई करते हैं। अनाउंसमेंट अच्छा ठीक है भाई, एग्री। आई थिंक इसमें भी लॉगिन का सीन होगा इसलिए। तो ये लोड हो चुकी है और सेम ही लग रही है मुझे जैसे बाकी दो गेम्स थी। सभी गेम में बहुत ज्यादा थी वैसे, इन्होंने क्योंकि पैसा कमाने फ्री में दे रहे हैं। माइनक्राफ्ट तो भाई इन गेम परचेजेस और पेड है भाई। तो इसमें ऑलरेडी से है भाई तीन चार मैप्स जो कि आप खेल सकते हो, मैं तो न्यू बनाऊंगा भाई। एडवेंचर मैप्स थे वो सभी के सभी। क्रिएट करो वर्ल्ड भाई, इसके साथ भी वही हो रहा है जो लोकी क्राफ्ट के साथ हो रहा था। तो मैंने दूसरे एमुलेटर में ट्राई की और ये ऑन हो चुकी है। अरे भाई ये कहाँ गिर गया मैं। तो भाई साहब इसमें भी वही सब आया था, कौन से कंट्रोल्स वगैरह लेने हैं स्टार्टिंग में। और इसके माइनर से चेंजेस हैं टेक्सचर्स में, पेड़ और सब में है, और बाकी तो भाई माइनक्राफ्ट तो है ही है। और ये क्या है भाई वुल्फ, इसके भी अरे दो दो एक साथ क्या कर रहे थे ऐसा ये। तब इसमें भी वही सब करेंगे हम, सबसे पहले इन्वेंटरी देखेंगे। इन्वेंटरी में भी भाई वही सब होगा वैसे, कुछ ज्यादा चेंजेस तो होंगे नहीं, बस टेक्सचर्स चेंज है थोड़े से, बिल्कुल माइनर से। मैं कहाँ पे हूँ और मैं कुछ अलग हूँ भाई, ये यूनिक चीज है इस गेम में। और बाकी सब हाँ भाई ये भी यूनिक है। हाँ भाई सब इनके ये भी बढ़िया है, ये देख सकते हो भाई, ये अच्छा लगा मुझे। क्योंकि बाकी जितनी भी गेम्स थी उनमें तो ये दो चीजें डिफॉल्ट थी भाई माइनक्राफ्ट वाली। और ये देखो एलिट्रा टोटो फंडाइंग, ओके बढ़िया है भाई ये भी, बाकी तो वही सब है। अब मुझे जो चीजें देखनी है वो है नेदर और एंड। सबसे पहले एंड ये रहा, देखो मैं सीधा एंड में जाता हूँ क्योंकि एंड है तो नेदर भी होगा ही ऑब्वियसली भाई। कहाँ पे बनाओ इसको, कुछ खाली जगह है, हाँ ये रही ना, एक दो तीन, एक तीन दो है और ये लास्ट। हाँ बना नहीं भाई, इसमें एंड नहीं जा सकते हैं मतलब। एक और बार ट्राई करता हूँ अच्छे से। तो ये रहे लास्ट के दो और नहीं बना भाई, मतलब एंड में नहीं जा सकते हम। एक बार नेदर ट्राई करते हैं, ऑब्सीडियन प्लिंट एंड स्टील। चलो मतलब भाई यहाँ पे नेदर तो है, एंड क्यों नहीं है भाई फिर। या मे भी उसमें एंड होगा बट मुझे पोर्टल बनाने नहीं आया ढंग से, पर पिछली गेम में तो ऐसे बनाया था मैंने यार। आई डोंट नो भाई, आप मुझे कमेंट करके बताना इसमें है या नहीं, क्योंकि आप लोगों ने बताई भाई मुझे गेम। और इसका नेदर भी बिल्कुल सेम है एज एक्सपेक्टेड। एक बार आगे पीछे जाके देखते हैं भाई, पिगलिन सॉगलिन भी होने चाहिए वैसे यहाँ पे। पता नहीं भाई कौन कहाँ पे है, मुझे दिख नहीं रहा। हाँ ये रहे भाई, मतलब सब सेम है भाई, ये बढ़िया है भाई ये वाला भी, अगर नेदर है इसमें। अरे मैंने अभी नोटिस किया मेरा नाम सनी है, वाह भाई क्या बात है। हाँ मैं कह रहा था कि अगर इसमें एंड है तो ये गेम भाई बढ़िया है, इसको जरूर ट्राई करना। इन्वेंटरी वगैरह तो सब बढ़िया है भाई इसकी। टेक्सचर्स देखो भाई क्या मस्त है, थोड़े से चेंज है इसमें, कार्टूनिश टाइप है थोड़े से बट बढ़िया है। तो भाई अगले गेम की तरफ बढ़ते हैं अब। तो ये हमारी आज की आखिरी गेम मेन क्राफ्ट्समैन सर्वाइवल। देखते हैं भाई अब ये भी ऑन होती है नहीं, तो मेरे को दूसरे एमुलेटर में जाना पड़ेगा फिर से। हो जाए बस यार, इतना झंझट कौन करेगा यहाँ से वहाँ जाओ। तो ये अंदर से यार कहीं देखी लग रही है ये गेम, शायद मैंने पिछले वाले में ऐसा कुछ कवर किया था, ट्राई करके देखते हैं। पिछले वाले एपिसोड में कुछ ऐसा ही कवर किया था, मिलती जुलती गेम थी वो भी। और ये भी भाई वो हो गई, तो मुझे फिर से दूसरे वाले में जाना पड़ेगा।
तो यहाँ से मेरे से वही सब पूछा कौन से कंट्रोल रखने कौन से नहीं, तो मैंने वही अपने क्लासिक वाले चूज किए। तो ये गेम भी भाई बिल्कुल सेम है वैसी ही, बस टेक्सचर्स का डिफरेंस है इसमें। भाई आज की सारी गेम्स बेस्ट निकली हुई हैं। यहाँ देखे जरा इसके, ये भी बिल्कुल पिछले वाले गेम की तरह ही है। मेरे को एक चीज चेक करनी है, हाँ भाई ये बिल्कुल सेम है भाई, तो आई थिंक बिल्कुल वैसे ही होगी, इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं करूंगा मैं। हाँ देख सकते हो बिल्कुल वही है भाई ये तो। और मेरा कैरेक्टर क्या है, अच्छा एलेक्स है, और मेरा नाम क्या है, एलेक्स है, सही है ये भी। मैंने इन गेम सेटिंग्स नहीं देखी इसकी वैसे, ये क्या है भाई, ये कुछ नई चीज है, पता नहीं क्या था भाई, कुछ चला ही नहीं वो। तो मैं इसमें भाई एंड और नेदर देखूंगा, क्योंकि मुझे पता चल गया है पिछली वाली गेम थी इससे और इसके दोनों के सर्वर सेम है, तो उसमें भी अगर वो नहीं था तो इसमें भी ये नहीं होगा, तो सेम है भाई। तो बस भाई ये लास्ट गेम थी भाई, हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया है। तो ये थी पांच गेम्स जो हमने ट्राई की आज भाई, लिटरली भाई ये बेस्ट थी भाई। तो आप मेरे को कमेंट करके बताना कुछ बेकार गेम्स या फिर बेस्ट गेम्स या फिर माइनक्राफ्ट से कुछ अलग, मैं बिल्कुल ट्राई करूंगा उनको। तो मैं फिर से आ चुका हूँ ट्राई करने माइनक्राफ्ट के कुछ क्लोन गेम्स, लेकिन आज मैं ट्राई करने वाला वो सब गेम जो आपने मेरी पिछली वीडियो में कमेंट किए थे। तो ये रहा प्ले स्टोर, तो इस बार भी एक गेम थी जिसके बहुत सारे कमेंट आए थे, वो थी क्राफ्टमैन जावा। तो ये क्राफ्टमैन जावा क्या बात है भाई, इसमें जरा देखे ये कैसी गेम है, लेकिन भाई आप लोगों ने कमेंट किया तो ट्राई तो करनी पड़ेगी, को डाउनलोड पे लगाते हैं। लोकी क्राफ्ट सुपर के भी बहुत ज्यादा कमेंट आए थे, तो ये रही लोकी क्राफ्ट सुपर, और ये तो बिल्कुल सेम लग रही है भाई। अरे भाई साहब बस थोड़े से एनिमल्स वगैरह चेंज है इसमें, डाउनलोड करो। तो लोकी क्राफ्ट कितनी सारी गेम्स है भाई, मुझे तो पता नहीं था, पैसा ही पैसा हो गया। और इसके भी कमेंट्स आए थे भाई साहब, क्राफ्टमैन के बहुत सारे वर्जन है भाई, इसको भी इंस्टॉल करते हैं। एक ये वाली गेम भी थी क्राफ्टमैन 9 फाइनल क्राफ्टिंग, ये कैसा नाम है भाई, इसको भी इंस्टॉल करते हैं, रेटिंग तो इसकी अच्छी है। तो आज की हमारी लास्ट गेम है ये वाली मास्टर क्राफ्ट, लेकिन ये 32 MB की क्यों है भाई। भाई रिव्यूज तो देखो एक बार, बेस्ट फेक माइनक्राफ्ट एवर, आई ऑलवेज मल्टीप्लेयर इन दिस गेम विद माय फ्रेंड्स 5 स्टार, दिस इज अ वेरी गुड गेम, आई एम प्लेइंग दिस गेम, तो इसको भी डाउनलोड करते हैं भाई, रिव्यूज तो अच्छे हैं। A few moments later. तो जब तक हमारी बाकी गेम इंस्टॉल हो रही है तब तक हम इसको ट्राई कर लेते हैं, जो कि क्राफ्टमैन जावा। अरे भाई सब ये कैसी लोडिंग स्क्रीन है, अब हुई सही भाई ये किंग क्राफ्ट, आजा भाई कुछ तो आजा भाई, बहुत ही स्लो है ये गेम, तो ऐड तो नेसेसरी है भाई। अब भाई साहब साइन इन का सिस्टम भी है इसमें, तो क्या बात है, लेकिन इसमें मल्टीप्लेयर तो कहीं भी नहीं है। चलो प्ले करते सीधा, अरे भाई साहब जावा वाली फील है ये तो बिल्कुल, न्यू वर्ल्ड क्रिएट न्यू, ओ भाई साहब एकदम जावा है ये तो, मुझे पता है क्योंकि मैं जावा खेलता हूँ। और क्या क्या, अरे भाई साहब इसमें भी सेम है जावा वाला रिसोर्स पैक, ओ भाई क्या बात है, क्रिएट करो जरा, लोडिंग भी जावा वाली हुई तो मजा आ जाएगा भाई। भाई मुझे तो यही चाहिए, नॉर्मल वाले इजी रहता है मेरे लिए, क्रिएट। भाई साहब वर्ल्ड लोड भी मेरे ख्याल से जावा वाला हो रहा है, ओ भाई साहब वर्ल्ड लोडिंग भी एकदम जावा वाली है, क्या बात है, बहुत स्लो है भाई गेम ये, लिटरली बहुत स्लो है। तो वर्ल्ड जनरेट हो चुका है लोडिंग और मैं आ चुका हूँ गेम में, ओ भाई साहब ये तो एकदम माइनक्राफ्ट है, थोड़े अलग टेक्सचर्स के साथ, इमोट्स भी इधर। एक बार मैं देख लेता हूँ इसकी सेटिंग्स में क्या क्या है, अरे भाई एकदम जावा है ये तो लिटरली भाई, वीडियो में जाओ सब कुछ जावा वाला यार, इसमें कमांड भी होनी चाहिए, अरे भाई एकदम जावा वाली फील आ रही मुझे तो। ये देख सकते हो ये सब जावा में आता, आपको पता होगा। तो विलेज है यहाँ से 280 किलोमीटर दूर है, किलोमीटर 280 ब्लॉक दूर। अरे भाई साहब इसकी बीडी टॉयलेट का कॉल आ रहा है। तो ये आ चुका मैं विलेज में टेलीपोर्ट होके, अब देखते हैं क्या सीन है यहाँ पे। तो भाई साहब विलेजर भी सेम है भाई, देखो थोड़ा सा बस टेक्सचर्स में डिफरेंस है, बाकी पूरी माइनक्राफ्ट है। और आसमान भी बढ़िया लग रहा है, अगर क्लाउड हटा दे ये वाले तो। भाई यार इस बार तो मैंने लगातार 4 एड्स देखी भाई, गेम क्यों खिला रहे हो मुझे, एड्स ही दिखा दो, पता नहीं भाई कितना पैसा कमाएंगे ये मेरे जरिए। तो इसकी इन्वेंटरी थोड़ी सी अलग है, और मैं कहाँ पे हूँ, अरे मैं तो हुई नहीं, बेकार है भैया मैं तो टूट गया, बस मेरी ये आंखें हैं और ये एक मुंह है, बाकी खाऊं मैं लोहल। भाई देखो टेक्सचर्स तो माइनक्राफ्ट वाले ही हैं, बस ये थोड़े से कार्टूनिश है, मतलब इनको फिनिशिंग नहीं दी अच्छे से, बाकी देख सकते हो ठीक है नॉट बैड, ये बढ़िया है भाई, थोड़े से अलग कर दिए। अरे ये फिर से वही वाला ड्रामा, ये अलग दो, बाकी सब सेम, ये दोनों चीज अलग, पता नहीं क्या सीन है भाई इनका। ये देखो इधर तो गोल्ड भी अलग है, चलो कोई बात नहीं, ये इन्वेंटरी तो सेम ही होगी भाई, सबकी सेम ही होती है। हम जाएंगे एंड में, क्योंकि अगर एंड है तो नेदर भी होगा, इसलिए नेदर जाके मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। 1 2 3 3 2 1 तो एंड तो है भाई, यहाँ पे मैं एंड में जा रहा हूँ और मैं आ चुका एंड में, चलो सीधा ऊपर एंडर ड्रैगन का वो भी आ चुका है, तो मतलब यहाँ पे एंडर ड्रैगन है और एंड सिटी भी होगी। भाई साहब ये गेम तो भाई, अगर आपको जावा वाली फीलिंग लेनी है तो भाई इस गेम को जरूर ट्राई करना, क्योंकि मैंने जितना नोटिस किया पूरे जावा वाली फील है भाई इसमें। देखो कर्सर तक है भाई, ये देखो ये मेरा वाला है, छोटा वाला बड़ा वाला इनका है, क्या बात है भाई। अब अगली गेम की तरफ बढ़ते हैं, आज की हमारी अगली गेम है लोकी क्राफ्ट सुपर, चलो चेक करते भाई कितनी सुपर है, कितनी डुपर है और कितनी कुकर है। भाई ये तो मुझे माइनक्राफ्ट की फीलिंग देने लग पड़ी 1.20 वाली अभी से, ये बैकग्राउंड से अब नहीं आ रही जरा भी। तो हमारा नाम है एलेक्स और ये एलेक्स सही है, लोकी क्राफ्ट प्रो, बाहर सुपर था यहाँ पे प्रो है, पता नहीं क्या झमेला है। तो यहाँ पे सर्वर्स तो है भाई सारे के सारे जो माइनक्राफ्ट में होते हैं, तो हम सीधे वर्ल्ड क्रिएट करते हैं, क्रिएट न्यू वर्ल्ड क्रिएटिव क्रिएट, बस ये क्रैश ना हो जाए भाई, मुझे बस इसी बात का डर है, देखते भाई वर्ल्ड लोड होता है या नहीं। और मुझे लगा ही था भाई क्रैश हो जाएगी और ये क्रैश हो गई, तो मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन लोकी क्राफ्ट सुपर चली नहीं, तो इसी जगह मैंने मल्टी क्राफ्ट डाउनलोड कर ली है, ये भी आप लोगों ने कमेंट की थी। तब अगली गेम से बढ़ते जो कि क्राफ्ट्समैन, भाई आई होप बाकी के गेम्स चल पड़े ऐसा ना हो कि वो भी क्रैश हो जाए। उसकी लोडिंग स्क्रीन तो बड़ी सुनसान है भाई,
खाली सी है मेरी जिंदगी की तरह। तो ये स्टार्ट हो चुकी है और अभी का भाई मूड खराब हो गया भाई ये देख के मुझे। ये क्या है भाई बैकग्राउंड? एड तो भाई बस्ट है भाई, एड बिना एड के गेम क्यों चलेगी भाई? बैकग्राउंड क्या है भाई ये? तो मेरा, मैं हूँ स्टीव और ये रहा मेरा कैरेक्टर। ओके, तो हम यहाँ पे वर्ल्ड सर्वर्स भी है यहाँ पे कमिंग सून, तो क्रिएट करते हैं क्रिएटिव। बस आई होप वर्ल्ड क्रिएट हो जाए भाई, अभी तक तो ठीक चल रही गेम, क्रैश वगैरह का कोई वो नहीं है। प्लीज प्लीज हो जा, एकदम थोड़ा सा बढ़ जाए तो मुझे हाँ तसल्ली मिली भाई। तो ये क्रैश नहीं हुई, ये बढ़िया गेम है भाई। वो भाई माइनक्राफ्ट, अब ऐसे उसी की कॉपी तो खेल रहा हूँ मैं भी। कैसे रिएक्शन देता हूँ भाई? ये तो टेक्सचर भी सेम नहीं भाई, ये कौन सा टेक्सचर है? हाँ भाई शीप कितनी गंदी लग रही है भाई तू। तो गेम तो बढ़िया है भाई, इसमें चीज डाल सकते हैं हम? बिल्कुल डाल सकते हैं। हाँ जी भाई, कहाँ है विलेज? हाँ ये रहा, बैठ दिखा। ओके, सवैना विलेज पता नहीं क्यों मिलती हर बार मुझे आसपास, मैंने आज तक नहीं देखा। ये लाल घर होते हैं पर बिल्कुल लाल नहीं देखा आज तक। ये रेयर चीज है भाई, ये गेम की रेयर चीज है या फिर पता नहीं भाई। चेस्ट में क्या है? घास घूस छी। एड तो भाई होनी चाहिए, एड बिना एड के गेम क्यों चलेगी भाई साहब? आयरन गोलम को देखो, क्या है ये? ऐसा लग रहा है इसके अंदर से लावा निकल रहा है। वैसे कंसेप्ट अच्छा है, ये तो क्रेटोस लग रहा है भाई सस्ता वाला। अरे पिग, तेरी स्किन को क्या हुआ भाई? डॉक्टर के पास जाए एक बार, तू तो बड़े मरने को हो रहा है। ये क्या है भाई? अरे बिल्ली का मुंह खुला है या फिर ये क्या हो रहा है भाई? कैसा डिजाइन बना रखे है ये, मैं तो डर गया। तब सबसे पहले इन्वेंटरी, जो कि भाई वही सेम तो इन्वेंटरी होगी। इन्वेंटरी क्या देखनी बार बार, ये चीज देखते हैं। ये अच्छा, ये तो चलो सेम गोल्ड। अरे भाई थोड़े से चेंजेस है भाई इसमें। इस स्टोन स्वॉर्ड को क्या हो गया भाई? इसके वो कहाँ गए? प्रोटेक्टर कहते हैं शायद उनको, पता नहीं क्या कहते हैं। बाकी सब तो सेम ही होगा, देख सकते हो। थोड़े से एकदम माइनर चेंजेस होंगे, मेरे को वो भी नहीं दिख रहे। पर अबे साले, अब हम कुछ ऑब्सीडियन फ्लिंट एंड स्टील की शक्ल देखो भाई, क्या है ये? एकदम ऐसा लग रहा है क्ले और मिट्टी से बनाया हुआ है। ये रहा एंड फ्रेम और आई ऑफ एंडर। तो ये लाइट हो चुका है आई थिंक, है भाई। नेदर तो है इसमें, नेदर देखते हैं अंदर से कैसा है। तो नेदर तो, ओ भाई साहब ऐसा लग रहा है मैं सीधा टेलीपोर्ट होके, अरे ये क्यों तोड़ दिया मैंने भाई साहब? नेदर देख के तो ऐसा लग रहा है कि मैं सीधा माइनक्राफ्ट में आ चुका हूँ। ऐसे खेल में तो माइनक्राफ्ट की कॉपी रहा हूँ मैं भी, पता नहीं कैसे ऐसी बातें करता हूँ। तो ये रहे पिगलिन, हॉगलिन्स भी होने चाहिए भाई साहब, सब सेम है, क्या बात है। अब बनाते हैं एंड, देखते हैं एंड है कि नहीं। इससे पहले एड आ जाए भाई मुझे, ये लास्ट की दो और ये एक, तो भाई एंड भी है, क्या बात है। बड़ी जल्दी आ गया भाई मैं, ये क्या मिला मुझे? कोरस रूट कहाँ आ गया भाई यहाँ पे? अरे भाई ये कुछ अलग चीज है। और ये क्या, एंडरमैन? अब इनकी शक्ल कहाँ है? लॉल, अरे एंडरमैन नहीं है ये, देखो इन्होंने सूट बूट पहना है, ये स्लेंडरमैन है भाई मेरे ख्याल से। ओ भाई साहब, एंडर ड्रैगन को देखो भाई, और एंड क्रिस्टल देखो भाई, ये क्या बनाया भाई एंडर ड्रैगन को? ये एंड भी चेंज है, ये देख सकते हो कोरस रूट है यहाँ पे एकदम लाल भाई। ये अच्छा लग रहा है मुझे वैसे देखने में लाल, बस इसकी एनिमेशन अच्छी नहीं है क्योंकि देख सकते हो व्हाइट सा इसके पंखों में है, बाकी सही है भाई। हमारी आज की अगली गेम है क्राफ्ट्समैन 9 फाइनल है भाई, इसके बाद कुछ नहीं है ठीक है। ओ भाई सब सीधा ऑन करते इतना कुछ आ गया, स्टार्ट गेम। तो अब ऑन हो रही है क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग ऑफ करके ऑन की, बिना रिकॉर्डिंग के नहीं चल रही आई थिंक, मेरे हिसाब से एमुलेटर सपोर्ट नहीं कर पा रहा अच्छे से। वेलकम टू, अच्छा ठीक है हटो यहाँ से। और बैकग्राउंड भाई फिर से क्ले से बनाया, क्या क्ले से बना के बैकग्राउंड को काट दिया ब्लॉक्स में, देख सकते ऐसा लग रहा है, बट चलो कोई बात नहीं। प्ले करते हैं, क्रिएट न्यू, ये सही है माइन का 1.20 जैसा है बेडरॉक वाला, क्रिएट करो। वैसे गेम क्रैश हो सकती है, ट्राई करने में क्या जा रहा है? ऊपर पॉपअप एड्स है मेरे हिसाब से, वैसे तो आपको ये ब्लरी दिखेंगे लेकिन एड्स ऊपर है। लोडिंग बढ़ जा लोडिंग, अरे वाह। तो ये आ चुका मैं गेम में। और हाँ भाई पोलर बियर कैसा है तू? चल यहाँ से। अब यहाँ की इन्वेंटरी देखे तो सेम है, कुछ चीजें अलग है, मेरे ख्याल से ब्लॉक सारे सेम है, बाकी चीजों के टेक्सचर्स अलग है। टोटम ऑफ अंडाइंग देखो भाई, इलेक्ट्रा देखो, ये तो जेट पैक लग रहा है। रैबिट का फुट होता था मेरे ख्याल से, ये क्या है कुक्ड रैबिट? इनका डायमंड और ये भी सेम है नेदराइट, ये अच्छी चीज लगी मुझे। अब सीधा विलेज की तरफ चलते हैं। 168-350 कहाँ है विलेज भाई? जल्दी से बैठ दिख जाए मुझे। अरे तो बहुत धीरे धीरे लोड हो रहा है भाई विलेज। इस बार मुझे मिली है स्नो वाली। हाँ भाई ट्रेड क्या है तेरे पास? अच्छा ट्रेड तो बढ़िया भाई। अरे चेस्ट, ओ भाई साहब डायमंड्स, टेक्सचर देखो डायमंड के भाई। डायमंड भाई बेशक मैं क्रिएटिव हूँ लेकिन डायमंड्स को नहीं छोड़ सकता मैं। आयरन गोलम का है? आयरन गोलम तो बिल्कुल सेम है, बस इसकी स्मूथनेस थोड़ी सी ज्यादा है। ये रहा फ्लिंट एंड स्टील, ये रहा ऑब्सीडियन, ये रही एंड फ्रेम, आई ऑफ एंडर। चलो आई होप इसका भी नेदर अच्छा हो, उम्मीद तो है मुझे वैसे। और मैं आ चुका हूँ भाई साहब एकदम सेम, नेदर तो बिल्कुल कॉपी पेस्ट है भाई, एकदम सेम है भाई। आगे तक जाके देखे जरा, लोडिंग बहुत स्लो है भाई इसकी, देखो मतलब भाई नेदर तो सेम है। अब एंड की बारी है, पिछली बार एंडर ड्रैगन भाई बिल्कुल चेंज था उस गेम का, इस बार देखते क्या है भाई। ये रही लास्ट और चलो एंड में, तो यहाँ भी एंड है, बढ़िया बात है। तो एंड तो मुझे सेम ही लग रहा है, कुछ चेंज नहीं है, लेकिन एंड ड्रैगन का इसका, तो ये रहा एंड ड्रैगन, और एंड ड्रैगन भी सेम है भाई इसका, पिछली वाली का मस्त लग रहा था लाल लाल, क्या है बड़ा बनता है ना। तो ये और इसकी हेल्थ तो बड़ी जल्दी जा रही है, 8 पॉइंट्स कम है इसके। तो अगले गेम से बढ़ते हैं। तो आज की हमारी अगली गेम है मास्टर क्राफ्ट, देखते भाई कितनी मास्टर है ये। लोडिंग तो बहुत जल्दी होगी, क्या बात है। मास्टर क्राफ्ट प्ले, ये तो बड़ा ही बेकार वर्जन लग रहा है भाई। क्रिएट कहाँ से करते हैं? ये रहा क्रिएट न्यू। अरे बड़ी जल्दी जल्दी हो रहा है सब कुछ, ये कैसी गेम है? तो क्रिएटिव मैंने सिलेक्ट किया था लेकिन मुझे इन्वेंटरी में ऑलरेडी कुछ चीजें मिल गई हैं, पता नहीं क्यों दी हैं ये सब, मैं क्या करूंगा इनका। थोड़ी वही है भाई देसी वाली कॉपी है, टेक्सचर्स बहुत गंदे हैं इसके। ग्राफ भी देखो कितना गंदा लग रहा है यार देखने में दूर से ही, छी यार। या सेम भी रखते दोनों के कलर्स तो थी फिर भी ठीक था, पर इन्वेंटरी कैसी? इन्वेंटरी तो और भी गंदी भाई, अट्रैक्टिव तो बिल्कुल भी नहीं है। अरे भाई ये क्या है?
अरे बैकग्राउंड को ठीक करो यार, फिर सही लगेगी। मैं कहाँ पे हूँ वैसे? मैं ये रहा। अरे मैं ये क्या पहना है भाई मैंने? इसमें सर्च का कोई ऑप्शन नहीं है यार। हाँ बिल्कुल ऑप्शन नहीं है सर्च का, तो मुझे खुद ढूंढना पड़ेगा। ये प्रिंट एंड स्टील ले लो, ये रहा ऑब्सिडियन, ये रही एंड पोर्टल फ्रेम। अब मुझे चाहिए आयो फेंडर। मेरे हिसाब से इसमें आयो फेंडर है नहीं। नहीं है भाई, इसमें तो बहुत ही कम चीजें हैं भाई, मुझे तो कहीं नहीं दिख रही। तो एक बार ऑब्सिडियन से ये बना के देखते, क्या पता। ये तो हो गई, ये किया मैंने लाइट। चलो तो नेदर तो है इसमें, नेदर। अरे भाई इतना गंदा, ये तो बिल्कुल पुराना वाला नेदर है भाई, जो बहुत पुराना था। अरे मैं तो एकदम ऊपर ही आ गया, लॉल भाई। नीचे तक तो पता नहीं कहाँ फंसा हुआ भाई मैं। बेकार गेम है भाई, बिल्कुल बेकार है। अगले गेम से बढ़ते हैं हम। आज की हमारी लास्ट गेम है मल्टी क्राफ्ट। चलो देखते हैं। रिपेयरिंग टू लॉन्च, ओके। तो लेट्स क्राफ्ट एक, ये कुछ यूनिक लग रही है। तो यहाँ पे ऑलरेडी वर्ल्ड बने हुए हैं, बाकी चीजें क्या है? कवाई वर्ल्ड, ये क्या है? तो ये मैं होस्ट कर सकता हूँ, गेम करनी है मुझे तो ज्वाइन भी कर सकता हूँ, पर सिंगल प्लेयर खेलते हैं हम। ये रहा क्रिएटिव प्ले, देखते हैं भाई क्या है ये। डाउनलोडिंग अपडेट, अभी तो मैंने गेम डाउनलोड की, अपडेट भी मांग रहे हैं। मुझे कुछ अलग लग रही है, मजेदार लग रही है, देखते हैं अंदर से भाई। ये वाला करेक्टर लेते हैं, स्टार्ट गेम। क्या है भाई ये? कुछ अलग गेम है यार ये देखो, क्या गेम है भाई ये? और ये कैसी इन्वेंटरी भाई, बढ़िया लग रही है वैसे, थोड़ी अट्रैक्टिव तो है। पुरान पिछली वाली तो भाई क्या थी यार, ये क्या है? और फार्मर होगा ये? अरे मेरे को कुछ आधी चीज। अरे भाई पेंटिंग्स देखो क्या मस्त है, लॉल। और ये सब क्या आइटम्स एंड डाइस? ये सब पोशंस हैं, ये मेरे ख्याल से ब्रूइंग स्टैंड होगा, लग तो वैसा रहा है दिखने में। इन्वेंटरी तो बढ़िया लग रही है। और अच्छा मैं यहाँ से ये सब भी कर सकता हूँ, ओहो क्या गेम है भाई। केप में मैं नाम भी लिख सकता हूँ अपना, बी लिखते भाई क्योंकि हम बीस्ट हैं। मुझे यहाँ पे चेक करना था कि इसमें मैं जा सकता हूँ नेदर एंड कहीं पे या नहीं। ये बड़ी अजीब गेम है, एक तो सर्च का बार ही दे देते भाई, ढूंढनी पड़ रही है मुझे। ये रहा फ्लिंट एंड स्टील। एंड का तो मेरे को कुछ नहीं मिला भाई अभी तक, मेरे ख्याल से इसमें एंड नहीं जा सकते हम। एक बार इसको बना के देखते हैं, शायद नेदर में नहीं है, मुझे ऐसा फील आ रही है। अरे तो फ्लिंट एंड स्टील चल ही नहीं रहा भाई, मेरे हिसाब से इसमें है नहीं भाई एंड, और नेदर भी नहीं है। बाकी कुछ यूनिक थी ये कंसेप्ट, अच्छा लगा मुझे, मजाक कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं लगा। कुछ कुछ चीजें नहीं, ये क्या है समोसा? पता नहीं भाई ये सब क्या, ये तो समोसा लग रहा है। इसमें मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, ये क्या? अरे विलेज, अरे विलेज के नाम पे बस एक घर है और एक ट्रेडर है भाई। भाई ये कौन है भाई, इतना लोनली एक अकेले घर में एकदम कोने में है, ये तो बिल्कुल मैं हूँ भाई। तो ये थी कुछ गेम जो हमने आज ट्राई की भाई। ये मल्टीक्राफ्ट क्या थी मुझे समझ नहीं आया, बाकी गेम फिर भी ठीक थी, लेकिन मल्टीक्राफ्ट भाई साहब। तो मैं फिर से आज को ट्राई करने माइनक्राफ्ट की कुछ क्लोन गेम्स जो कि आप लोगों ने मुझे सजेस्ट किए हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे नहीं किया है तो ऑल पे कर दो यार, किस चीज का इंतजार कर रहे हो? तो सबसे पहली गेम होने वाली हमारी क्रेजी रोबो वर्ल्ड। तो यहाँ पे तो बहुत सारी है, सबसे पहले ये वाली देख, ये क्या है भाई? इसका दूसरा वाला देखते हैं, VIP 3D। तो VIP वाला डाउनलोड करते हैं, इसके बाद हम ट्राई करेंगे लोकी क्राफ्ट। तो ये सबसे पहला वर्जन आई थिंक लोकी क्राफ्ट का। हमारी अगली गेम है ब्लॉकमैन गो, ये रही। और ये कौन सी गेम है भाई, मिनी गेम्स वाली गेम है क्या कोई? भाई इसका 50 मिलियन डाउनलोड है लिटरली, डाउनलोड करो भाई इसको भी। एक पार्टी क्राफ्ट के भी मुझे ये आए थे, ये तो कुछ अलग है, इसको डाउनलोड करते हैं क्योंकि भाई आज कुछ यूनिक भी ट्राई करेंगे बीच बीच में, क्योंकि वही बोरिंग बोरिंग गेम्स डाउनलोड कर करके बोर हो चुका हूं मैं। अच्छा तो हम देखते हैं कुछ क्राफ्टमैन की गेम जो कि भाई बहुत सारी है। तो मुझे क्राफ्टमैन 2 के कमेंट आए थे, तो जो कि ये रही आई थिंक, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। A few moments later. तो जब तक हमारी बाकी गेम्स डाउनलोड हो रही है तब तक हम इनको ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहली जो गेम है हमारी वो है ब्लॉक क्रेजी VIP, क्या बात है। अब देखते हैं भाई अंदर से गेम कैसी है, पता चला होनी नहीं हुई भाई ये। ब्लॉक क्रेजी VIP 3D, क्या बात है भाई। ऐड तो जरूरी है, देखो ऐड का वो आ गया ऊपर। प्ले करते हम, सर्विस वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं क्या? लगता तो नहीं मुझे। तो हम करेंगे क्रिएट, भाई साहब एड्स, हम इसको करेंगे क्रिएटिव क्रिएट। अब देखते हैं भाई अंदर से कैसी है ये। वैसे इसका बैकग्राउंड मुझे पसंद आया, मतलब मेहनत की है भाई लोगों ने। तो आ चुका हूँ मैं वर्ल्ड में, और मेरा स्पॉन कहाँ पे है भाई, ये बहुत ही सुनसान इलाके में स्पॉन हुआ मैं। वैसे इसके ग्राफिक्स ठीक है, नॉट बैड, टेक्सचर्स भी ठीक लगे मुझे। सबसे पहले मैं देखूंगा इसमें अगर चीट्स यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं बिल्कुल। हम लोकेट करेंगे विलेज 968920, ओके। तो मैं टेलीपोर्ट हो चुका हूँ विलेज के पास, और ये रही हमारी डेजर्ट विलेज, क्या बात है। और आयरन गोलम हमारा सेम है भाई, टेक्सचर्स थोड़े स्मूथ है बस। अरे ये क्या है भाई, हेलो तू विलेजर है क्या? अरे लॉल कौन सा वाला है ये, लेदर वर्कर है भाई ये तो। भाई ही लॉल, इसको पता नहीं क्या हुआ, मुझे लगा कोई नई एंटिटी आ गई। तो विलेज तो वही नॉर्मल सी सेम है, सब कुछ सेम है, विलेजर भी सेम है, टेक्सचर्स थोड़े चेंज है ये देख सकते हो। ओ भाई सुअर, ये भी थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब हम देखेंगे इन्वेंटरी, सबसे पहले इन्वेंटरी मस्त है भाई, आयो बाकी के टूल भी सेम हो। भाई मैं लिटरली स्वॉर्ड के ऊपर क्लिक नहीं कर पा रहा क्योंकि इसमें एड्स बहुत है, काम कर रहे हैं सर्च करके देखते हैं। हाँ ये रही, तो स्वॉर्ड तो भाई ये दोनों फिर से अलग है, बाकी चीजें भी अलग ही है। देखो भाई बाकी इन्वेंटरी तो भाई सबकी सेम ही होती है, बस टेक्सचर चेंज होते हैं। अब हमें मेन चीज चेक करनी है जो कि है ऑब्सिडियन। भाई मैं लिटरली एड्स की वजह से सर्च भी नहीं कर पा रहा, मेरे को ढूंढना ही पड़ेगा, मतलब प्लिंटन सी तो यहाँ पे होता है। अब हमें चाहिए एंड पोर्टल फ्रेम और आयो फेंडर। तो चलो सबसे पहले हम बनाते हैं नेदर, क्योंकि हमको नेदर चेक करना है। ये कि हमने लाइट, और चलो तो नेदर तो बन रहा है, मतलब नेदर है भाई। अच्छा और नेदर, ओ भाई साहब एकदम सेम, और मैं स्पॉन हुआ बैशन बायो में आई थिंक। अरे नेदर तो बिल्कुल सेम है, इसमें टेक्सचर्स तक चेंज नहीं है, थोड़े से चेंज है, माइनर सी स्मूथनेस है, बाकी ये देखो घास है। तो नेदर तो सेम होगा मुझे लगा ही था। तो अब चलते भाई एंड देखने।
ने एंड कैसा है। अरे इसको देखो भाई, ये भी एक लिस्ट है। लॉल, ये आई थिंक लामा है ना। हाँ, पता नहीं क्या सीन चल रहा है इस गेम में। ये लगी लास्ट की एक, चलो तो एंड भी है भाई, क्या बात है। अब मुझे देखें एंडर ड्रैगन कैसा यहाँ का। चलो सीधा ऊपर, और एंडर ड्रैगन कहाँ है भाई। तो एंड भी बिल्कुल सेम है, टेक्सचर्स का फर्क है जैसा कि मैंने बताया। एंडर ड्रैगन भी बिल्कुल सेम है, कुछ चेंज नहीं है इसमें, क्या बात है। तो मैं टेलीपोर्ट हो चुका एंड सिटी में, और ये रही एंड सिटी। तो एंड सिटी भी बिल्कुल सेम है। शिप कहाँ पे भाई, शिप देखनी थी मुझे, शिप नहीं है ना इसमें। चलो कोई बात नहीं, तो सब कुछ सेम है। गेम बढ़िया है, खेलो मस्त मजे करो। तो नेक्स्ट गेम की तरफ बढ़ते हैं। हमारी अगली गेम है लोकी क्राफ्ट, चलो देखते हैं। अरे चलो देखते हैं, अरे ये तो भाई गेम ही नहीं चल रही मेरे में। तो लोकी क्राफ्ट तो चले नहीं, तो उसकी जगह सुपर क्राफ्ट डाउनलोड कर लेता हूँ मैं, ये भी आपने बताई मुझे। तो इसको डाउनलोड, जब तक वो डाउनलोड हो रही है तब तक हम ब्लॉक मैन गो खेल लेते हैं। चलो, अरे ये क्या है भाई, भाई ये मत बताना कि ऐसी वर्टिकल में होगी। भाई ये तो लिटरली वर्टिकल में, ये कैसी गेम है यार। अच्छा ये थोड़ी रोब्लॉक्स टाइप आई थिंक। अरे भाई ये तो इंटरेस्टिंग गेम है। बेडवर्स खेल के देखते हैं, यहीं से देख खेलते हैं ना। आई होप ये हॉरिजॉन्टल में आ जाए। बेडवर्स ऐसे कैसे खेलूंगा नहीं तो। तो गेम मेरी डाउनलोड हो रही है बेडवर्स, देखते हैं भाई अंदर क्या सीन है। ओके तो गेम चल पड़ी हमारी बेडवर्स, क्या बात है, बढ़िया गेम है यार, रोब्लॉक्स टाइप लग रही है मुझे। तो ये ट्यूटोरियल वेलकम टू, अरे बेडवर्स बहुत खेली भाई मैंने। तो हमको वहाँ जाना है गोल्ड क्लिक करने। तो ये रही शॉप ब्लॉक। ओके क्या हुआ भाई, समझ नहीं आया मुझे। अच्छा ये ट्यूटोरियल पूरा देंगे भाई, ठीक है भाई, समझ गया भाई, समझ गया। अब मुझे ब्रिजिंग करना सिखाएंगे क्या। तो यहाँ पहुँच गया मैं। अरे भाई बंदा आ गया मुझे मार दे। ये ले है, है। अरे ये क्या है, अरे आत्मा। अरे भाई मुझे ये बैट तोड़ना पड़ेगा, क्या बात है। अब मुझे वो बंदा मारना पड़ेगा। अरे भाई मत दो यार, बहुत बैट बॉल्स खेली मैंने। ये ले ये आत्मा जा रही उसकी रोती रोती, जाए यहाँ से। ये लिटरली ट्यूटोरियल था, गेम नहीं थी। अरे यार मैं खेलने थोड़ी आया, मैं रिव्यू देने आया, तो बाकी गेम्स दिखाते तब तक आपको। जेल ब्रेक, ड्रैगन टाइमर्स, बिल्ड एंड शूट, क्या बात है भाई। सोशल हॉल, लकी ब्लॉक, बहुत कुछ है भाई इसमें। तो बढ़िया गेम है, वैसे आपको टाइम पास करना हो तो खेल सकते हो इसको फोन में, बढ़िया रहेगा। हम अगली गेम की तरफ बढ़ते हैं। हमारी अगली गेम है सुपर क्राफ्ट, डाउनलोड हो चुकी है, और ये भी भाई वही सीन कर रही है यार। पार्टी क्राफ्ट ट्राई कर लेते, दिस गेम इज अंडर डेवलपमेंट। ओके खेल के देखते कैसी है। ओ भाई साहब, अरे ग्राफिक्स ये क्या है, बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। स्टोरी चल रही है, और अरे भाई, अरे पीछे कार का कलर चेंज हुआ क्या। व्हाट विल यू डू फर्स्ट, गेम सेटिंग्स चलते हैं भाई पहले, सबसे पहले विजिबिलिटी बढ़ाओ प्लेयर्स। अरे नहीं इतना नहीं करना। ये रे ग्राफिक्स बिल्कुल एचडी करो यार, क्या खेल रहे हैं। चलो अब क्या है भाई ये, तो ये बंदा है। अरे चला भी सकता हूँ मैं कहाँ से। ओ भाई, अरे भाई साहब ये तो खतरनाक चीज है, लेकिन मुझे पीसी में खेलने में से प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन बढ़िया है भाई जो भी है। अरे कहाँ से टेलीपोर्ट होके आ रहे हो भाई, हटो यहाँ से, एक्सीडेंट हो जाएगा फालतू में, मर भर जाओगे। हट यहाँ से, तू भी ये। अरे फोन चलाने लग पड़ा। अरे वाह, मैं इसको कलर भी कर सकता हूँ भाई, क्या गेम है भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ इसमें क्या करना है। ओ भाई सब जंप, भैया मुझे उतरना नहीं आ रहा, कैसे उतरते इससे। यहाँ पे खड़ी कर देते हैं। तो इसमें डांस का भी कुछ इमोट है। ओ भाई साहब नाच रहा बंदा, ये दूसरा, ये क्या है भाई, ये डांस है कोई, ये क्या है भाई, ये तो चलो फिर भी ठीक है। ये क्या है भाई, ज़ॉम्बी बना पी रहा है तू तो। ओहो आइडल क्या, अच्छा ये तो नॉर्मल हो गया भाई। क्या गेम है मुझे समझ नहीं आ रहा, आई थिंक कुछ रोल प्ले टाइप गेम है, GTA टाइप। हाँ भाई तुझे क्या परेशान, अरे तू कहाँ भाग रहे, पता नहीं भाई क्या हो रहा है, ये यहाँ कहाँ फंस गया मैं। ये है गन है ये, अच्छा। ओहो ये क्या है भाई, बुलबुले से निकल रहे हैं, न्यू मिशन, अच्छा मिशन भी कर। अरे मरा क्यों नहीं तू भाई, तुझे क्या हुआ। आई थिंक ये फेक गन टाइप है कुछ, ये सब पता क्या है भाई, हटो यहाँ से। अरे भाई मुझे सीरियसली कुछ समझ नहीं आ रहा क्या गेम है ये, इसलिए हम अगले गेम की तरफ बढ़ते हैं। वैसे मस्त गेम है ये, अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो खेल सकता है ऐसी गेम्स, मुझे इंटरेस्ट नहीं ऐसी गेम में भाई। तो हम उसकी जगह लोकी क्राफ्ट 5 डाउनलोड करके देखते हैं ये कैसी है, चेक करते हैं। जब तक डाउनलोड हो रही है तब तक हम क्राफ्ट्समैन ट्राई करते हैं, अब देखते हैं ये कैसी है। तो गेम ऑन हो चुकी है, ये कैंसिल करो। तो बैकग्राउंड चलो मैं तो बड़ी, और ये गाय कैसी है भाई, लॉल बड़ा ही सस्ता है ये तो। हम करते हैं क्रिएट, वैसे इसमें सर्वर्स हैं, कमिंग सून फ्रेंड्स में, आई थिंक कमिंग सून ही होगा। क्रिएटिव क्रिएट, चलो देखते हैं अंदर से कैसी है ये। डोनर शो प्रोसीड। तो ये आ चुका हूँ गेम में। ओ भाई साहब इसके शेडर्स कितने मस्त लग रहे हैं, आसमान में बादल क्यों नहीं है, दूर दूर तक है कुछ कुछ तो किया भाई इन्होंने, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या किया। लेकिन वो पानी, ओ भाई पानी को देखो क्या मस्त है, ये क्या चीज है, ओशन मॉन्यूमेंट। नहीं ये तो ऐसा ही है, थोड़ा सस्ता वाला है भाई, छोटा सा। तो मैं स्पॉन हुआ पता नहीं कहाँ पे। अरे ये क्या चीज है, अच्छा ये वेल है। ये कैसा पेड़ है भाई डेजर्ट में, वो भी इन्होंने क्या खोखले पेड़। अरे भाई ये सब क्या है, ये कैसा पेड़ है, यहाँ के बाकी के वहाँ के पेड़ तो ठीक है, लेकिन डेजर्ट के बड़े अजीब से। और ये मैसा बायो मैं शायद है ना। यहाँ पे एक और चीज है, ये भी वेल है, कुछ नए स्ट्रक्चर है, क्या बात है। वैसे गेम की इन्वेंटरी देखते हैं, थोड़े से चेंजेस हैं, बाकी सब तो वही सेम है, बस टेक्सचर्स के चेंज है। वो भाई ट्राइडेंट क्या लग रहा है, वाह ये क्या है भैया। ओ भाई साहब लेटर तो पंख ही लग रहे एकदम, ये सब ये टर्टल शेल, अच्छा ये क्या है टोटम हॉर्न। अरे ये क्या बना दिया भाई इसको ये तो काले जादू वाली डॉल लग रही है। और ये बेड है जो कि मस्त लग रहे हैं, रियलिस्टिक बनाने की कोशिश की है, तो इन्होंने सबको रियलिस्टिक बनाने की कोशिश की है। बकरी देखो भाई लॉल क्या बात है। तो हम मेन काम करते हैं जो कि है एंड पोर्टल, आई ऑफ एंडर्स, ऑब्सीडियन और फ्लेट।
फ्लिंटन स्टील, ये क्या भाई क्ले जैसा लग रहा है लॉल। तो सबसे पहले यहाँ पे बनाते हैं अपना नेदर पोर्टल, इसका टेक्सचर सही लग रहे हैं, ये किया लाइट और चलो। अब देखते हैं भाई इसका नजर कैसा है, मुझे लग रहा है सेम ही होगा। और ये आ चुका मैं, ओके शेडर्स मस्त है भाई, रियलिस्टिक लग रही है। और ये देखो भाई जो डस्ट फैल रही है एशेस, ये भी कितनी मस्त लग रही है। तो बाकी तो भाई सेम ही होगा क्योंकि भाई जो की मस्त। ये क्या है भाई, ये क्या चीज है, ये वो है क्या ब्लेज, बड़ा अलग टाइप का कुछ, मे बी नया मोब है बैशन बायोम का ब्लेज होगा, मतलब इसमें नए स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं, क्या बात है। अब हम चलते हैं एंड बनाने, एक दो तीन, एक दो तीन, तीन दो एक, चलो भाई एंड भी है इसमें। और एंड क्या बात है भाई, टेक्सचर्स देखो, और इसका भी है, इसका भी एंड ट्रायंगल लाल है, पूरा ठेला लाल है। मैंने ऐसी कोई गेम कवर की थी शायद, और इसका एंड भी चेंज है भाई, मैंने क्राफ्टमैन तो नहीं खेली थी इतना मुझे पता है, क्या बात है भाई, बिल्कुल वैसी गेम है ये जैसी वो वाली थी। ये गोल्डन है इसका, ये भी क्रिस्टल, पता नहीं क्या सीन है भाई, मतलब ये सारा कुछ सेम ही है। यहाँ पे एंडर ड्रैगन भी मेरे ख्याल से एंडर ड्रैगन नहीं होंगे, सूट बूट वाले होंगे, हाँ ये देख सकते हो। लॉल पता नहीं क्या है भाई ये। A few moments later. तो हमारी आज की आखिरी गेम है लोकी क्राफ्ट 5, चलो देखते हैं। लोडिंग स्क्रीन माइनक्राफ्ट वाली, बैकग्राउंड क्या बात है भाई, मेहनत तो की है लोगों ने, सही लग रहा है भाई बैकग्राउंड। इसमें मल्टीप्लेयर भी है क्या, सर्वर्स, तो इसमें सर्वर्स भी भाई, वो माइनक्राफ्ट में जो डिफॉल्ट होते हैं पहले से, क्या बात है, मतलब भाई सब कुछ कर सकते हैं इसमें। चेक करने के लिए भाई वर्ल्ड क्रिएट करते हैं, क्रिएटिव क्रिएट, भाई मुझे नॉर्मल वाले चाहिए। तो ये रहा मैं जिसका नाम है स्टीव, ओके लग नहीं रहा किसी एंगल से ये। और ये रही गेम, टेक्सचर्स सही है, नॉट बैड, स्मूथ है भाई गेम, और थोड़ी स्लो है या फिर मेरा पीसी स्लो है। इन्वेंटरी इसकी ऑब्वियसली सेम होगी, टेक्सचर्स थोड़े चेंज होंगे, ये सॉर्ड का कैसा कलर है भाई, और अलग है थोड़ी, गोल्डन सॉर्ड मस्त लग रही है, नेदरराइट तो सेम ही है, बाकी सब इसमें वही सब है सेम। और ट्राइडेंट, ट्राइडेंट के थोड़े ये चीजें मस्त लग रही है। और ये क्या है भाई, भाई इस गेम में एड्स बहुत ज्यादा, लिटरली बहुत ज्यादा, हर एक मिनट में एक आ रही है। हम कहां पे थे, हम यहां पे थे, और ये क्या है, शियर्स, क्या बात है, ये तो शियर्स ही लग रहा है वैसे। ये स्नोबॉल टोटो वंडर पिछले गेम जैसा ही है, लेकिन एलिट्रा देखो भाई, ये ऐसा लग रहा है दो कैटरपिलर जो ककून बनाते हैं बटरफ्लाई वाले, समझ रहे हो, बड़े अजीब लग रही है उनकी आंखें लग रही हैं, पता नहीं क्या बनाया भाई। और ये टर्टल शेल, ये क्या है भाई लॉल। एनीवेज ये सब छोड़ते हैं, हम चलते हैं मेन मुद्दे पे, जो कि हमारा ये ऑब्सिडियन है, ये क्या ऑब्सिडियन है लॉल। और फ्लिंटन स्टील सही है, नॉट बैड, ये क्या है, कोरस फ्लावर, वाओ। हमारे एंड, ये सब ये क्या है, एंडर चेस्ट, क्या बात हो रही है, एंड पोर्टल फ्रेम भी मस्त लग रही है, आई एफ एंडर भी ठीक लग रही है भाई। यहाँ पे बनाते हैं हम अपना पोर्टल, ये किया लाइट और चलो, मुझे लग रहा है नेदर भी बहुत मस्त होगा, देखते हैं भाई कैसा निकलता है वो। तो मैं आ चुका हूँ, तो ये कौन से ब्लॉक्स है भाई, ये नेदर है क्या, ये मुझे तो वही लग रहा है भाई। और ये रहे पिगलिन लोग, पता नहीं भाई क्या है ये, लॉल बड़े अजीब सा नेदर है भाई, ये क्या है, ये ग्लो स्टोन है ना। चलते हैं भाई वापस, क्योंकि एंड चेक करना है हमको, फिर मुद्दे पे आते हैं, कैसी गेम है ये भाई। दोनों गेम थोड़ी यूनिक बनाने के लिए मेन ब्लॉक्स ही चेंज कर दिए, आइडिया अच्छा था लेकिन मुझे पसंद नहीं आया। ये थोड़े कनेक्टेड कनेक्टेड लग रहे हैं, ये ओरिजिनल में होते हैं ऐसे, पता नहीं मैंने ध्यान नहीं दिया कभी। ये रही लास्ट, चलो भाई बहुत ज्यादा एड्स है भाई, दुखी हो गया हूँ भाई मैं एड्स से। और यहाँ पे एंड भी नहीं है मेरे ख्याल से, पता नहीं क्या सीन है, एक और बार बना के देखते हैं। ये लास्ट और ओके है एंड, पिछली बार क्यों नहीं बना भाई, ठीक तो बनाया था मैंने। और मुझे लग रहा है भाई एंड के भी ब्लॉक्स चेंज होंगे, हाँ ये देख सकते हो क्या है भाई, ऐसा लग रहा है क्ले, ऐसा लग रहा है क्ले है भाई, ये क्या किया भाई ये, अरे भाई कितना गंदा लग रहा है ये लॉल। चलो एंडरमैन तो ठीक है, एंडर ड्रैगन देखते हैं भाई, मुझे लग रहा है एंडर ड्रैगन इधर भी लाल होगा, फील आ रही है मुझे ये देख के क्योंकि ये गोल्डन है। एंडर ड्रैगन है कहाँ पे भाई, ये रहा, चलो ठीक है नॉर्मल नहीं, कुछ अलग है ये, एड आ गई भाई मैं जा रहा हूँ। तो ये सब गेम्स थे हमने ट्राई की आज, लेकिन भाई लोकी क्राफ्ट में इतनी एड्स, इतनी ज्यादा एड्स भाई, सही में दिमाग खराब हो गया। तो भाई सबसे सही मुझे फिलहाल तो ये लगी ब्लॉकमैन गो, क्योंकि थोड़ी यूनिक थी, ऐसे रॉब्लॉक्स टाइप थी, यूनिक भी नहीं थी। और ये पार्टी क्राफ्ट तो यूनिक थे भाई, ये कहने की बात, तो ये बढ़िया लगी, बाकी तो वही सेम है, पार्टी क्राफ्ट और ब्लॉकमैन गो बढ़िया लगी। ये सुपर क्राफ्ट तो चली नहीं, लोकी क्राफ्ट वन वे नहीं चली, कोई बात नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मुझे कमेंट करके बताना नई गेम्स ट्राई करेंगे उनको। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।